तो ये हेगेल के लिए क्या था डायलेक्टिक्स, इट वॉज एन अनफोल्डिंग ऑफ द एब्सोल्यूट आइडिया। तो एक एब्सोल्यूट आइडिया है जिसको डेमिउर्गोस बोलते हैं, वो एब्सोल्यूट आइडिया का एलियनेटेड फॉर्म मटीरियल वर्ल्ड है, और वो मटीरियल वर्ल्ड का अनफोल्डिंग बेसिकली उस एब्सोल्यूट आइडिया का अनफोल्डिंग। मार्क्स बोलते हैं कि आइडियाज जो हैं वो खुद मटीरियल वर्ल्ड में चल रहे स्ट्रगल का ह्यूमन माइंड पे रिफ्लेक्शन, मीडिएटेड रिफ्लेक्शन। नाउ दैट रिफ्लेक्शन कैन बी राइट, दैट रिफ्लेक्शन कैन बी रॉन्ग, बट इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ रियल कॉन्ट्रडिक्शन इन द रियल वर्ल्ड ऑफ रियल पीपल एंगेज्ड इन रियल प्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्शन ऑफ देयर रियल एक्सिस्टेंस। तो इसलिए मार्क्स का डायलेक्टिक्स एक मटीरियलिस्ट डायलेक्टिक्स है, और इस तौर पे हेगेल के डायलेक्टिक्स से वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो इस तौर पे मार्क्स के अगर मटीरियलिस्ट डायलेक्टिक्स मेथड को समराइज करें तो वो ये है कि पहला स्टेप जो मार्क्स के मटीरियलिस्ट मेथड का है वो है गैदर कॉन्क्रीट एम्पिरिकल डेटा, सेकेंड स्टेप ग्रास्पिंग द गिवन स्टेट ऑफ नॉलेज अबाउट इट, और थर्ड स्टेज है डायलेक्टिकल रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ मटीरियल एट हैंड्स टू कॉम्प्रीहेंड द रियलिटी इन टोटैलिटी। दूसरे शब्दों में कहें तो सबसे पहले जिस चीज़ की स्टडी कर रहे हैं उसके बारे में ठोस आंकड़ों और ठोस तथ्यों को जुटाना, दूसरा स्टेप उन ठोस आंकड़ों और ठोस तथ्यों की आपका अब तक जो अध्ययन हुआ है उस अध्ययन को ग्रास्प करना, और तीसरा स्टेप होता है कि इन दोनों स्टेप के आधार पर जो मटीरियल प्रोड्यूस होता है उस मटीरियल का डायलेक्टिकल रीऑर्गेनाइजेशन करना। डायलेक्टिकल रीऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है, जो फेनोमिनल रियलिटी है उसको भेद के एसेंशियल रियलिटी तक पहुँचना। अगर फेनोमिना ही रियलिटी होती तो फिर साइंस की कोई ज़रूरत नहीं होती, जो दिख रहा होता वही सच होता तो विज्ञान की कोई ज़रूरत नहीं। जो इसलिए एपरेंट रियलिटी और एसेंशियल रियलिटी में गैप होता है, जिस गैप को आप परिघटना के लेयर्स को भेद के उसके स्तरों को भेद के ही आप रियल लॉज ऑफ मोशन तक पहुँच सकते, और यही डायलेक्टिकल रीऑर्गेनाइजेशन यानी एक जनरलाइजेशन की प्रोसेस जिसके जरिए आप जो प्रतीतिगत यथार्थ उसकी सतहों को भेद के आप सारभूत यथार्थ तक पहुँचते हैं, आप एसेंशियल रियलिटी तक पहुँचते हैं। और यही मेथड मार्क्स ने अपने कैपिटल में लागू किया। इसको लेकर एक कन्फ्यूजन ये भी होता है कि जो एपरेंट रियलिटी है वो रियलिटी नहीं है, वो तो इल्यूजन है या फॉल्स कॉन्शियसनेस है, ये नहीं है। एपरेंट रियलिटी भी रियलिटी ही है, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि फेनोमेना और एसेंस रियलिटी के डिटर्मिनेशन के अलग अलग लेवल्स। असली टास्क एक साइंटिस्ट का ये होता है कि कोई एसेंस अपने आप को किस तरीके से अभिव्यक्त कर रहा है, मैनिफेस्ट कर रहा है, और उस मैनिफेस्टेशन के प्रोसेस में किन इंटरमीडिएट लिंक्स का मीडिएशन। मिसाल के तौर पर मार्क्स बात करते हैं वेज की, तो वेज अनरियल है और वैल्यू ऑफ लेबर पावर रियल है ऐसा नहीं। वैल्यू ऑफ लेबर पावर कैपिटलिस्ट मिलियू में, कैपिटलिस्ट कॉन्टेक्स्ट अपने आप को वेज के रूप में मैनिफेस्ट करते हैं, वेज भी रियल है, लेकिन वेज फॉर्म कैपिटलिज्म की पर्टिकुलैरिटी है जिस फॉर्म में श्रम शक्ति का मूल्य अपने आप को अभिव्यक्त करता है। इसका ये कतई ही अर्थ नहीं है। दूसरा एग्जांपल आप ले सकते हैं कि सरप्लस वैल्यू रियल है, प्रॉफिट अनरियल, ये भी गलत। ये दोनों रियलिटी के ही अलग अलग आप कह सकते हैं कि डिटर्मिनेशंस हैं, और उन डिटर्मिनेशंस के भीतरी रिश्ते, आपसी रिश्ते, आंतरिक रिश्ते को समझना, ये मूलतः एक साइंटिस्ट का काम होता है कि सारभूत यथार्थ अपने आप को प्रतीतिगत यथार्थ के रूप में अभिव्यक्त कैसे कर रहा है, मैनिफेस्ट कैसे कर रहा है। अब जो बेसिक डिस्कवरीज है मार्क्स की उस पर बहुत ज़्यादा ड्वेल करने का पॉइंट नहीं है। बेसिक डिस्कवरी जिसको मार्क्स अपने के महान खोज मानते थे वो ये था कि प्रॉफिट कहाँ से आता है। प्रॉफिट अनपेड लेबर के अप्रोप्रिएशन से आता है। जो वर्कर सरप्लस लेबर टाइम में काम करता है वो अपने कैपिटलिस्ट ओनर के लिए एज ग्रेटिस काम करता है, फ्रीली काम करता है, वो उसको उसके पास पूरी तरीके से जाता है। मिसाल के तौर पे एक मजदूर मान लीजिए खड़ी के कारखाने में काम करता है और उस कारखाने में 100 मजदूर हैं और वो कारखाना एक दिन में 1000 घड़ियाँ बनाता है, यानी कि एक मजदूर ऑन एन एवरेज 10 घड़ी बनाता है। अगर उस घड़ी की कीमत 500 रुपये है तो 5000 रुपये का माल वो एक दिन में पैदा करता है, लेकिन हर दिन के उसे 5000 रुपए नहीं मिलते। तो वो बेसिकली अपने जरूरत योग्य जो उसकी दिहाड़ी है वो 500 रुपए हो सकती है, वो शायद एक या डेढ़ घंटे में ही उतना वैल्यू पैदा कर लेता है और बाकी टाइम वो कैपिटलिस्ट के लिए काम करता है। इस प्रकार से सरप्लस वैल्यू का अप्रोप्रिएशन हो जाए हो, इसके लिए जो केंद्रीय चीज है वो ये है कि लेबर पावर का कमोडिफिकेशन होना। लेबर पावर का कम्युनिफिकेशन होने का मतलब यह है कि जो डायरेक्ट प्रोड्यूसर्स
उनको मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस इससे डिस्पोजेस करना होना चाहिए। अगर वो डिस्पोजेस नहीं होंगे तो फिर वो ओबलाइज नहीं होंगे अपने लेबर पावर बेचने के लिए, मजबूर नहीं होंगे, और अगर वो मजबूर नहीं होंगे तो फिर कैपिटलिस्ट सरप्लस वैल्यू का अप्रोप्रिएशन नहीं कर सकते। इसलिए सबसे बुनियादी चीज़ है लेबर पावर का कमोडिफिकेशन। उसके लिए ज़रूरी है कि जो उत्पादक है उससे उसके मीन्स ऑफ प्रोडक्शन छीन लिए। ये प्रोसेस पूरी दुनिया में अलग अलग तरीके से हुई, इसको मार्क्स ने प्रिमिटिव एक्युमुलेशन का नाम दिया, आदिम संचय। जो आदिम संचय की प्रक्रिया है वो बुनियादी तौर पर कई रूप में पूरी हुई। उसमें कॉलोनाइजेशन एक प्रोसेस था, एनक्लोजर मूवमेंट्स पाड़ेबंदी आंदोलन ये एक प्रोसेस था, जब इंग्लैंड में जो डायरेक्ट प्रोड्यूसर थे पेजेंट्स थे उनसे ज़बरदस्ती जमीनें अधिग्रहण करके उन्हें उनके जो मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस और प्रोडक्शन से उनको महरूम किया गया और उनको वेज लेबर में तब्दील किया गया। तो इसलिए ये जो डुअली फ्री लेबर का क्रिएशन, डुअली फ्री को बातों ने बहुत गलत तरीके से समझा है, वो फ्री को ये कब वो डबल इन्वर्टेड कॉमा दे नहीं देखा। मार्क्स ने हर जगह डुअली फ्री में फ्री को डबल इन्वर्टेड में रखा, क्योंकि ये एक बहुत ही सरकास्टिक स्टेटमेंट है, एक आयरोनिक कॉमेंट है। डुअली फ्री मतलब ही शुड बी फ्री फ्रॉम द इनकम्ब्रेंसेज ऑफ ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी वो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन से फ्री होना चाहिए, और दूसरा ही शुड बी फ्री टू सेल हिज लेबर पावर टू एनी कैपिटलिस्ट। ये डुअल फ्रीडम उस इकोनॉमिक कोएर्शन को छिपा देती है, जो इकोनॉमिक कोएर्शन पहले बहुत ही अभिव्यक्त तौर पे एक फ्यूडल सर्व के लिए था, क्योंकि उसको जबरदस्ती करना पड़ता था। राजा ईश्वर की छाया थी, राजा जो बोलता था वो कानून था, और राजा के लिए उसके खेत पर बेगारी ना करना कानून तोड़ना। मजदूर के लिए बेगारी इस रूप में नहीं होती, उसकी बेगारी उसका अनपेड लेबर का अप्रोप्रिएशन छिप जाता है, क्योंकि उसकी आज़ादी ये है कि मैं इस कैपिटलिस्ट के हाथ शोषित नहीं हूँगा, मैं उस कैपिटलिस्ट के हाथ शोषित हूँगा, यही उसकी कुल फ्रीडम। और ऐसे लेबर का क्रिएशन कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन के लिए एसेंशियल होता है। जब तक ऐसा लेबर नहीं क्रिएट हुआ था तब तक भी सिंपल पेटी कमोडिटी प्रोडक्शन होता था, लेकिन सिंपल पेटी कमोडिटी प्रोडक्शन और सिंपल कमोडिटी प्रोडक्शन के दौर में भी मुद्रा पूंजी पैदा हो चुकी थी, लेकिन मुद्रा पूंजी अभी अलग रूप में पैदा हुई थी। वो उसके रूप थे यूजरी कैपिटल और मर्केंटाइल कैपिटल। यूजरी कैपिटल यानी कि सूदखोर पूंजी और वाणिज्यिक व्यापारिक पूंजी, ये खुद सरप्लस वैल्यू पैदा नहीं करती, क्योंकि इसने अभी कारखाने को अपने कब्जे में नहीं लिया। ये क्या करती है कि डायरेक्ट प्रोड्यूसर्स को, जैसे पुटिंग आउट सिस्टम में होता था, हमारे भारत में भी पुटिंग आउट सिस्टम था एक दौर में। पुटिंग आउट सिस्टम में ये होता था कि दस्तकार है, आर्टिजन है, उसको एक दुकानदार जो है उसका रॉ मटेरियल देता है सारा, जो प्रोडक्शन के लिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, और उससे बना हुआ माल लेता है। इस प्रोसेस में अभी वो खुद सरप्लस वैल्यू के प्रोडक्शन की प्रोसेस को उसने हेजमनाइज नहीं किया, लेकिन जो सरप्लस पैदा हो रहा है उसको अप्रोप्रिएट कर रहा है। तो इस तौर पे यूजरी कैपिटल और मर्केंटाइल कैपिटल वो किसी पेटी कमोडिटी प्रोड्यूसिंग इकोनॉमी को डिसइंटीग्रेशन की तरफ जरूर ले जा सकता है, लेकिन वो खुद सरप्लस वैल्यू अभी प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। इसीलिए मार्क्स ने इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल किया, एक डिस्टिंक्शन इस्तेमाल किया, जिसको उन्होंने बोला फॉर्मल सब्जम्पशन ऑफ लेबर और रियल सब्जम्पशन ऑफ लेबर। फॉर्मल सब्जम्पशन ऑफ लेबर वो होता है जिसमें कि कैपिटल ने उत्पादन की पूरी प्रक्रिया को अपने वर्चस्व के माध्यम से लिया है, और इस दौर में अभी वो आप कह सकते हैं कि वो सोसाइटी के टोटल सरप्लस वैल्यू में कोई इजाफा नहीं कर रहा। तो यह है फॉर्मल सब्जम्पशन। और रियल सब्जम्पशन वो होता है जब वर्कर को उसके मीन्स ऑफ प्रोडक्शन से महरूम कर दिया जाता है और वर्कर डिस्पोजल पे होता है कैपिटलिस्ट क्लास के, किसी एक कैपिटलिस्ट के नहीं लेकिन कैपिटलिस्ट क्लास के डिस्पोजल पे होता है। उसको अपना लेबर पावर बेचना ही पड़ेगा, वो क्या लेबर करेगा, कैसे लेबर करेगा, वो एक मशीन का एक्सटेंशन बना दिया जाएगा। ये मंजिल, ये एलिनेशन ऑफ लेबर प्रोसेस की, जो एलिनेशन ऑफ सरप्लस वैल्यू पहले भी हो रहा था कि सरप्लस वैल्यू का एक हिस्सा यूजरी कैपिटल और मर्केंटाइल कैपिटल लेगा, लेकिन सरप्लस वैल्यू को पैदा करने की पूरी लेबर प्रोसेस को सब्ज्यूम करना ये कैपिटल बाद में करता है। तो इस तौर पे जो ये डिस्कवरी थी मार्क्स की वो ये थी कि वो प्रॉफिट के मूल को ढूंढना, और इसके लिए जो थियरी उन्होंने दी जिसको लेबर थियरी ऑफ वैल्यू कहा जाता है, वो मूल चीज जिसको समझना जरूरी है। लेबर थियरी ऑफ वैल्यू कि ये लेबर है जो वैल्यू पैदा करना है। मशीन्स अपने से वर्कर्स को हायर करके प्रोडक्शन नहीं कराते, लेकिन दोज मेन हु ओन द मशीन दे कैन हायर वर्कर्स एंड ओबलाइज देम टू वर्क फॉर हिम एज ग्रेटिस। तो इस तौर पे ये सबसे बड़ी चीज है जो समझना जरूरी है। अब हम आगे एक उस पर आते हैं कि भाई मार्क्स की कैपिटल जब से छपी तब से उसके क्रिटिक्स ने
मगर उसकी क्रिटिसिज्म की शुरुआत तभी हो गई। पहला जो क्रिटिसिज्म है आपको पता लगेगा 1890s में और अर्ली 1900s में आता है, गॉड की विश, लॉडिस्लॉस वॉन गॉड की विश। उसके बाद एक पूरा सिरा लगता है जिसमें लगातार क्रिटिक्स आते हैं मार्क्स कैपिटल के। मार्क्स के कैपिटल के प्रति रिस्पॉन्ड करने में बुर्जुआ पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट ने जबरदस्त क्लास कॉन्टेंट।